स्वामी सरोगेट मदर के थ्रू भी अगर बच्चा चाहिए तो किस तरह से स्पिरिचुअलिज्म की हेल्प से आप चुन सकते हैं कि कौन आपके बच्चे के लिए अच्छी सरोगेट मदर होगी? इसके लिए बेटा एस्ट्रोलॉजी आपकी ओरा बहुत हेल्प करती है, जो पिता है तो उसके साथ मिला के देखना चाहिए, जो पिता है उसके साथ उनकी ओरा का मिलान, उनके ग्रहों का मिलान करना चाहिए। पर कहीं कहीं ऐसे नियम हैं, हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं, अमेरिका में ऐसा नियम है कि वो कभी कभी मदर के बारे बताते नहीं हैं कि किसको मदर बना रहे हैं, वैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, मदर के लिए बताते नहीं हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, टाइम ऑफ बर्थ बता देते हैं, तो उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों पर ये प्रयोग किया गया और कहते हैं कि इमोशनली नाम बताया जाए कि उस बच्चे की मदर कौन है, और उस मदर का ना पता चले जो जिस माँ के पास वो बच्चा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति ही हो जाती है। और स्पिरिचुअलिज्म इसमें और एक बहुत बड़ी मदद करता है। ऐसी स्थिति में स्पिरिचुअलिज्म कहता है कि आप उस माँ की पेन को सहन करो। आपको पता चल गया कि आज प्रेगनेंसी हो गई, तो जो भी साधन, जो भी ढंग बनाए गए हैं कि प्रथम मंथ में ये करना, दूसरे में ये करना, तीसरे में ये करना, इमेजिन करके जिस माँ का के पास वो बच्चा ओरिजिनली आएगा, एक तो माँ जन्म देने वाली माँ हो गई और दूसरी जो पालन करने वाली माँ है, जिसके पास बच्चा आएगा उसी ढंग से प्रार्थना करे, उसी ढंग से बच्चे को मैसेज दे, उसी ढंग से बच्चे को रेजेज दे, उसी ढंग से बच्चे के साथ चले। तो आप देखोगे दोस्तों कि जब तक बच्चा पैदा होगा माँ बिल्कुल जुड़ चुकी होगी बच्चे के साथ। और इसमें श्री जय कृष्ण भगवान का मंत्र बहुत अच्छा है, जय श्री संतान गोपाल मंत्र, इस मंत्र का जाप सभी लोग कर सकते हैं। पाठ करें तो ऊंचे स्वर में, पाठ सदा ऊंचे स्वर में फलदायक होता है, और जाप बिल्कुल आपके लिप्स भी ना हिलें तो फलदायी होता है। लिप्स भी हिलते हैं तो आपके अंतर में कम ताकत जाती है। तो इसको करें, इससे बच्चा दीर्घजीवी, अच्छा हृष्ट पुष्ट होता है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।